एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं जा रही हूँ कहीं पर, तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सीरम लगाया है और फिर मॉइस्चर वगैरह लगाऊंगी और लिप बाम लगाऊंगी सबसे पहले। और मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब कुछ काम है वहाँ पर जा रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं दिशा और मतलब प्रीति की वीडियो कॉल आई थी तो उससे बात कर रही है दिशा, तो वो मुझे दिखा रही है। तो यहाँ पर मैं लॉरियल पेरिस का फाउंडेशन लगा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। ये 800 रुपीज़ के समथिंग का आया था, मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये, और ये बहुत थोड़ा लगता है और पूरे फेस को कवर कर देता है। बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पता नहीं यूट्यूब का क्या हो गया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे चैनल को, मेरे इसी वाले चैनल को पता नहीं क्या हुआ है, किसकी नज़र लग गई है या फिर यूट्यूब इस टाइम यूट्यूब प्रॉपर काम भी नहीं कर रहा है। किसी का सब्सक्राइब का बटन गायब कर रहा है, किसी के लाइक डिसलाइक का बटन हाइड कर रहा है, किसी के सब्सक्राइबर ही गायब कर रहा है, 0 सब्सक्राइबर दिखा रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और व्यूज़ भी डाउन कर रखे हैं यूट्यूब ने, तो पता नहीं क्या कर रखा है इसलिए। तो यहाँ पर और बस मैं वही लगाने के बाद अपना जो फेस का काम है वो करूँगी। तो मुझे आज आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा बात तो करने नहीं वाली, लेकिन कल की वीडियो पर 1-2 इतने गंदे कमेंट आए थे, मतलब क्या बोलूँ, बोला मतलब उनकी लैंग्वेज में तो बोल नहीं सकती। एक तो बहुत ही वाहियात कमेंट था जिसमें बोला था कि कैमरे के सामने नंगे होके नाचो, मतलब उस आदमी औरत जो भी है, हो सकता है वो जानने वाला ही हो, फेक आईडी बनाकर ऐसा कमेंट कर रहा हो, क्योंकि ऐसे लोग वही होते हैं। तो जो बाहर का है, घर का है, मुझे नहीं पता कौन है, बट मैं एक बात बोलूँ कि जो तुम दूसरों से बोल रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी फैमिली वालों से यही काम कराते होंगे, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो फैमिली ने तुम्हें जन्म दिया, जो फैमिली ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, उस फैमिली को तुम इतना गंदा काम कराते हो। मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो पैसों के लिए, मतलब कुछ भी कर सकते हो, इतना गिर सकते हो, मुझे शर्म आती है। ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे जो हिंदुस्तानी और या कोई जहाँ पर भी होते हैं ऐसे लोग, वहाँ के देश का नाम डुबो के रख देते हैं। और कमेंट से साफ साफ पता चल रहा था कि उस इंसान की मेंटेलिटी कितनी गिरी हुई है। और एक कमेंट आया था ANM करके था, उन्होंने बोला था बहुत ही चीप है। तो बहन मैं आपको बता दूँ, एक बात बता दूँ कि अगर लाइफ में तुमने कितना भी पैसा कमा लिया, अगर तुम इन्जॉय नहीं कर पाए तो लाइफ में तुम्हारा पैसा कमाना और मैनर सब बेकार है, क्योंकि फुल इन्जॉय वही होता है जो दिल खोल के किया जाता है, ठीक है। उसमें कोई भी चीपना नहीं था। और हो सकता है कि तुम मैनर्स में स्पेशल तरीके से पार्टी इन्जॉय की जाती हो, बट हम तो इसी तरीके से करते हैं। बट हम चाहे आप चीप समझो, चाहे कुछ भी समझो, तो मैं यही बोलूँगी। और मेरी बहन के लिए कमेंट आया था कि वो किसी कॉपी कर रही है, तो सबसे पहले बता दूँ, जो भी है उसको बता दूँ, मेरी बहन किसी की कॉपी नहीं करती, हम किसी की कॉपी नहीं करते। ऑलरेडी वो वेस्टर्न कपड़े पहनते, मैं भी वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, और वेस्टर्न कपड़े पहनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई गलत नहीं होते। और कॉपी करने की बात रही तो शायद तुम करते होंगे, बट मैं नहीं करती हूँ। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, जितने हैं उतने में बहुत खुश रहते हैं। और जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, वो हमारी लोकल नहीं होती, कंपनी की होती है। तो यहाँ पर प्रीति की मम्मी देख रही, वीडियो कॉल कर रही थी, तो प्रीति की मम्मी बात कर रही थी, तो वही मैं दिखा रही थी, देखो मैं क्या कर रही हूँ। तो प्रीति की मम्मी बहुत खुश नसीब हैं हम लोग। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी फ्रेंड, इतने अच्छे पड़ोसी मिले हैं, क्योंकि हर किसी की किस्मत में ऐसे नहीं होते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि तो इतना तुम दूसरों से जलते हो ना, तो जलना इतना बंद कर दो, क्या फ़ायदा, जल के कुछ कर तो लेते नहीं हो तुम, बस जल जल के बस अपना ही खून जलाते हो। हम लोगों का तो कुछ नहीं करते, क्योंकि जो हमें करना है वो तो हम करके ही रहते हैं, हमें जो करना है। तो चीप रही बात, तो मुझे तो ऐसा, बस मैं वही बोलूँगी, चीप तो मुझे तुम्हारी मैंटेलिटी लग रही है। मैनर्स वाली की ऐसी पार्टी होती है, मैनर्स वाली भैया, मैंने तो भैया जो फुल एंजॉय नहीं कर पाया पार्टी में और मस्ती नहीं कर पाया, वो मेरे लिए पार्टी पार्टी नहीं होती, वो तो एक स्कूल की असेंबली ग्राउंड और असेंबली में खड़े हुए बच्चे होते हैं। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है इसी तरह से खुल के इंजॉय करना, मस्ती करना, थोड़ी छेड़छाड़ करना,
बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोग गांव में आ जाओगे ना, तो जितनी भी स्ट्रेस होती है ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब जो होती है वो सब भूल जाओगे। इतना अच्छा लगता है, गांव में अपनापन होता है, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। तो मैं वही बोलूँगी आप लोगों से कि गाँव की लाइफ जो होती है ना, मतलब आप उसका कोई भी मोल नहीं कर सकते। एक तो शुद्ध, हर चीज़ शुद्ध मिलेगी आपको, हर चीज़ शुद्ध मिलती है, हर चीज़ आपको आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और नहीं है तो आपको ऐसे इंजॉय भी काफ़ी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एटमॉस्फियर एकदम शुद्ध मिलता है, खाने पीने की चीज़ें एकदम शुद्ध मिलती हैं आपको, और चीज़ें सस्ती मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर बनती हैं, इसलिए चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं। सब्जी से लेके आटा, सब चीज़ मतलब शुद्ध मिलती है तो सस्ती भी मिलती हैं। और यहाँ से जब सिटियों में हम ही लोग सिटी में भेजते हैं, खेती होती है हम लोगों के यहाँ तो हम ही लोग सिटी में भेजते हैं, और सिटी भी गाँव से बनी है, तो ज़्यादा उड़ना बंद कर दो। ये कमेंट करते हो ना बहुत ज़्यादा, तुम कितना स्टैंडर्ड हो वो तो तुम्हारे कमेंट से ही पता चल जाता है, इतनी गुस्सा आती है ना अगर सामने मिल जाए ना। सच में हम लोगों के पड़ोसी इतना मार रहे हैं इन लोगों को कि सारी स्टैंडर्ड गिरी, जो बदतमीजी दिखाते हैं ना कमेंट में, सब धरी की धरी रह जाए। अगर हमारे लैंग्वेज में बोलो तो, हमारे यहाँ पता है कोई किसी की लड़की को कोई कुछ कह नहीं सकता, घर पे बाद में बात आती है, पहले पड़ोसी निपट लेते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि दूसरे की लड़की के बारे में इतना गंदा बोला। और मेरे पड़ोस में तो भाई सब सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, कि लाइफ में किसी लड़की के बारे में तुम इतना गंदा बोल ही नहीं सकोगे। पता है उन कमेंटों को पढ़ के मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया। एक बाकी तो मैं कमेंट डिलीट कर दी, बट एक कमेंट है, एक दो कमेंट आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना कितने अच्छी तरीके से और कितने स्टैंडर्ड गिरी दिखाई है। उनके कमेंट से पता चल रहा है कि वो कितने चीप और कितने वाहियात और कितने गिरे हुए इंसान होंगे जो हमें चीप बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो ये चीप है, उन्होंने कभी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है। जो कमेंट में चीप हमें बता रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी लाइफ में कुछ देखा नहीं है, इसलिए वो जानते नहीं कि फुल इन्जॉयमेंट क्या होता है। और सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बोल रही हूँ जिन्होंने ज़्यादा ही अपने आप को स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, ज़्यादा ही वो कुछ ज़्यादा कैमरे के पीछे स्टैंडर्ड बनते हैं, रियल में कितने स्टैंडर्ड है वो उनके कमेंट से पता चल जाती है कि वो कितने स्टैंडर्ड है। तो बस मैं यही बोलूँगी यहाँ पर कि अपने ये चीपपना अपने घर तक ही रखो, दूसरों तक मत फैलाओ, कि तुम जितने चीप हो ना तुम्हारी मेंटेलिटी तुम्हारे कमेंट से पता चल जाती है। देखिए मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, और देखिए मैं बहुत दिनों बाद मैंने मेकअप किया है, तो यहाँ पर मैं ना क्या लगा रही हूँ, हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो आईब्रो के नीचे, आईब्रो के ऊपर, और थोड़ा सा मैंने आई शेडो यूज़ किया है, उसके बाद मैंने आईलाइनर यूज़ किया है, और इस तरह से मेरा मेकअप रेडी हो चुका है। और ये मैंने जो किट है वो है मिस गोल्ड की मेरी, और मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया, ज़्यादा हाई नहीं दिखेगा आपको, कि ओवर आपको दिखे तो वैसा नहीं दिखेगा, आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। और प्रीति की मम्मी ने देखा था, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है सिंपल में, मतलब ज़्यादा जो होता है ना एकदम तड़क भड़क के आईलैसेस वगैरह लगाने के बाद वो चीज़ नहीं लगेगी आपको। वैसे आप आईलैसेस लगाना चाहो तो चार चांद लग जाते हैं, लेकिन मेरे पास आईलैसेस एट ए टाइम नहीं है, मैं लाई नहीं हूँ। और मेरी मम्मी के पास एक कुर्ता रखा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक ही जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, तो मम्मी के पास रखा था, तो मैंने वही डाल लिया है ये इस तरीके से यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाल वाल बना लिए, बाल बनाने की तैयारी हो रही है, यहाँ पर दिशा भी रेडी हो रही है, दिशा कह रही हट जा मैं भी रेडी होंगी, तो मैंने कहा ठीक है 2 मिनट रुक जा, और क्या कहते हैं मैं हो रही हूँ। मेरे बाल काफ़ी उलझ रहे थे, आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे मेरे बाल, बहुत लग रही थी मतलब बाल काटने में। और ये देखिए दिशा ने तो बिल्कुल ही आई शेडो वगैरह नहीं लगाई है, वो तो सिर्फ लाइनर और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई हुई है, और उसने फुल बालों का पफ लगाया हुआ है। और मेरी बहन के लिए बोला था बहुत चीप है, मुझे तो नहीं लगता मेरी बहन चीप है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आप हों और आप अपनी फैमिली को भी इसी तरह से बना के रखा हो, मुझे नहीं लगता कि आप इतना गंदा, जो गंदा बोलता है ना मैं उसी के लिए बोल रही हूँ, बाकी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो इंसान गलत होता है तो उसको तो गलत बोला ही जाता है। तो यहाँ पर लाइट कट हो गई है पता नहीं कैसे, तो वही मेरी बहन देख रही है, लाइट काफ़ी कट हो जाती है, काफ़ी आती जाती रहती है यहाँ पर। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिन भर रहती है, रात में हम लोग छत पे सोते हैं, बहुत अच्छा लगता है छत पे सोना,
गांव में यही चीज़ तो अपनापन लगता है, सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना और छत पर सोना, सबको मिल बांट के टाइम देना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरह से जो होता है ना गांव में, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने भी दिशा की तरह क्लचर लगाया, बट मैंने पफ नहीं लगाया क्योंकि पफ नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को जो चिमटी थी वो नहीं मिल रही थी। और दिशा यहाँ पर मैं अपना मेकअप फिक्सर नहीं लेके आई थी, तो दिशा अपना मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही है और इसको अपना वो भी अपने चेहरे पर लगा रही है। और मैं यहाँ पर जो ब्यूटी ब्लेंडर है, मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर नहीं मिल रहा है, लाई तो थी बट दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर दिशा के ब्यूटी ब्लेंडर से उसे सेट कर ले रही हूँ ताकि जो मेरा मेकअप है वो उतरे ना। तो यहाँ पर अब मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में, चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं बहुत तेज़ धूप हो रही थी बाहर, तो मैं सोच रही हूँ कि चश्मा लगा लूँ, बट चश्मा पता चले ही लगाते हैं कि नहीं। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम साइलेंट इसलिए किया है क्योंकि तीन तीन कूलर चल रहे थे तीनों कमरे में, आपको दिख रहा होगा पर्दा उड़ रहा था, तो तीनों कमरे में कूलर चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो आप लोग पूछ रहे होंगे ये कौन का घर है, तो ये प्रीति का घर है और प्रीति अभी किचन में कुछ बना रही है, तो यहाँ पर आधा काम हो चुका है प्रीति के और आधा काम रह गया है। तो यहाँ पर दिशा खड़ी हुई है और दिशा अपने मिरर में कुछ देख रही है, फ़ोटो खींच रही है, और पीछे प्रीति है। प्रीति घर के कपड़े पहनी थी तो वो ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती है, वो सिंपल ही रहती है, तो देखिए मस्त रहती है। और हम लोगों की दोस्ती को 25 साल हो चुके हैं, तो आप लोग सिल्वर एनिवर्सरी मना सकते हो जो बोलते हैं उसको वही। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ उसके रूम में, तो यहाँ पर पीछे टीवी लग रही है और टीवी बंद है, मैं बोली थी टीवी नहीं देखती, तो कह रही मैं नहीं देखती टीवी ज़्यादा वगैरह, तो यहाँ पर वही है। और उसके पापा आ चुके हैं, तो इस तरीके से बाहर के रूम में जो उसकी टीवी लग रही है। और उसका ये बहुत बड़ा घर है, उसका ये बहुत बड़ा, और सिटियों में तो इतने बड़े घर में बहुत लोग रह लेंगे कम से कम, और रूम भी इतने बड़े बड़े हैं। और ये रंगोली मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो प्रीति की पसंद की आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस कैसी लग रही है आपको, तो मुझे तो बहुत पसंद आई है। और ये बहुत ही महंगी है, मतलब कि वो बोल रही थी कि टाइल्स जितने के पड़े हैं उतने की ये रंगोली पड़ी है, काफ़ी कॉस्टली रंगोली है। लेकिन कहते हैं ना चीज़ एक बार लगती है तो अच्छी, एक बार लगवाओ पर अच्छी लगवाओ, तो वो डेली तो ये चीज़ें लगती नहीं है, तो एक बार लो तो अच्छी ही लो, मेरा भी यही मानना है। मैं भी जो चीज़ लेती हूँ ना अच्छी लेती हूँ, नहीं तो आराम से लूँगी, चाहे एक महीना लगे, चार महीने लगे, चाहे छः महीने लगे, लेकिन मैं जल्दीबाजी में चीज़ ख़राब नहीं लेती, क्योंकि एक बार चीज़ आती है। अब देखिए मैंने कूलर लिया तो कूलर भी मैंने अच्छा लिया, फिर टीवी ली, बहुत सारी चीज़ें मैंने ली ना थोड़ा रुक रुक के लिए। आप लोग कमेंट करते हो फ्री ये ले लो वो ले लो, तो मैं ले लेती हूँ, बट मैं लेती चीज़ अच्छी हूँ चाहे थोड़ा रुक कर लूँ। और कपड़े ऐसे मेरी कपड़े की चॉइस है, चाहे मैं कपड़ा थोड़ा महंगा लूँगी लेकिन थोड़ा रुक कर लूँगी, कपड़े शूज सैंडल कुछ भी हो लेकिन चीज़ मैं अच्छी ही लेती हूँ, थोड़ा रुक कर लेती हूँ तो, पर अच्छी लेती हूँ। तो यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे हैं ना टाइल्स उसके, मैं तो काफ़ी दिनों बाद आई हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिलता आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर दिशा कुछ मंगा रही थी और दिशा का चैनल पर चैलेंज आएगा, तो उसके चैलेंज की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ घर पर, और यहाँ पर हमने कूलर चला लिया, बहुत गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो अंदर वाले रूम में कूलर चला लिया है। एक छत पे, छत वाले रूम में रहता है पापा के लिए स्पेशल कूलर, छोटा वाला जो होता है वो, और यहाँ पर भी। और एक जो कूलर है बड़ा वाला वो अभी ख़राब हुआ है मोटर उसकी, तो उसको उठा के रख दिया है, सही कराना है। तो पापा कह रहे थे अभी लॉकडाउन है ना, तो सारा काम इधर से उधर उलट पलट गया है। एक तो इनकम भी कम हो गई है, पहले से बहुत कम हो गई है, आप लोगों को पता ही है कि इनकम कितनी कम हो चुकी है। अब अगर हम सारी इनकम इन्हीं चीज़ों में बिगाड़ देंगे तो सेविंग तो करनी होगी, कब क्या हो जाए नहीं पता होती, तो सेविंग करके हमें चलना होता है। तो बस यही मैं बोलूँगी। अचानक से मेरी बहन देखो वहाँ प्रीति के घर पर ले गई, मतलब पहले दिन ही मुझे इसने घुमाना फिरना शुरू कर दिया। मम्मी कह रही जा निकल जाओ मेरे घर से, मजाक कर रही थी, मतलब एक बात है मजाक कर रही थी, कह रही थी कि निकल जाओ मेरे घर से, दोनों के दोनों बस घूमने फिरने में लगी रहती हूँ। मैंने घूमने फिरने नहीं जा रहे, प्रीति क्या जा रहे हैं वो दिशा के चैनल के लिए चैलेंज वीडियो बनानी थी, तो उसी के लिए अभी तक आई नहीं है वो वीडियो, बट एडिटिंग नहीं हुई है उसकी,
आ जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा उसके चैनल पर, और उसके चैनल का नाम मिस जैन ब्लॉगर है। फिर पूछते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो यहाँ पर हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं और मैं एक दूसरे से बात कर रहा है। देखिए मैं बहुत लकी हूँ कि हम बहनें एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, नहीं तो हर किसी को ये शेयर करने वाली बहनें भी नहीं मिलती हैं, और हर किसी की बहनों से बनती नहीं है, हर किसी की फैमिली से नहीं बनती है। तो मैं तो बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। और कॉपी की बात रही तो भाई हम किसी की कॉपी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। और मेरे यहाँ कोई भी, मेरे मायके में कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि ये मत पहनो वो मत पहनो तुम लड़की हो। मेरे पापा की सोच ये है, लड़का हो या लड़की हो दोनों बराबर है। मेरे पापा ने हमें कभी एहसास नहीं दिलाया कि हम लड़की हैं, हर चीज़ हमारे पापा ने सिखाई, हर चीज़ मेरे पापा, पता है हम लोगों से सारे काम कराते हैं, मेरी बहनों को स्कूटी साइकिल सब कुछ मेरे पापा ने सिखाया, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है ही नहीं कि लड़का है या लड़की है। तो मेरे पापा, मेरे को स्कूटी नहीं आती क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, तो पापा स्कूटी नहीं सिखा पाए, और सबसे छोटी वाली बहन को सिखा रहे हैं, पर उनके लग गई है, पापा के हाथ में थोड़ी सी लगी है तो दर्द होता है, थोड़ा पैर में लगी है, तो मतलब जीने, वैसे भी पापा पे ना जीना चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है। तो कल कमेंट आया था पापा के लग गए तुम डांस करो थोड़ा शर्म करो, भाई तुम शर्म करो, थोड़ी भी शर्म अगर अंदर हो तो तुम शर्म करो। मेरे पापा है मुझे पता है उनको, इसीलिए मैंने केक है ना ऊपर भेजा था, क्योंकि पापा पर एक बार पापा जीने में चढ़ जाएं तो फिर पापा को उतरने में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए पापा ऊपर चले गए, तो फिर हमने केक कट करके पापा के पास भेज दिया था। मम्मी को भी होती है, बट मम्मी नीचे थी तो मम्मी वहीं पर बैठी थी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।